चलिए बच्चों, आपको टाइप ऑफ एडवर्ब पहचानना है। इसमें सबसे पहले मैंने पूछा आपसे व्हेन कौन सा एडवर्ब है, आपको बताइए वर्ब है ये, ऑब्जेक्ट है, प्ले व्हेन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरोगेटिव एडवर्ब। ही, ये वाला एडवर्ब बताइए, ही प्रैक्टिस द वायलिन हाउ, हाउ का रिप्लाई है मैनर। ये वाला बताओ, बिग चिलिंग वेयर, वेयर का रिप्लाई है एडवर्ब ऑफ टाइम। कन्फ्यूज मी हाउ मच, हाउ मच का रिप्लाई है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री। इंटरेस्टेड एडजेक्टिव है लिंकिंग वर्ब के बाद, एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाले ज़्यादातर एडवर्ब डिग्री होते हैं, कितना इंटरेस्टेड, लीस्ट इंटरेस्टेड, हाउ मच का रिप्लाई है, डिग्री वाले हाउ मच का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। वी वर सरप्राइज एडजेक्टिव है, कितना सरप्राइज, थोड़ा बहुत, समवट का मतलब थोड़ा बहुत, ये भी क्या एडवर्ब ऑफ डिग्री। बिग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितना बिग, सफिशेंटली बिग, ठीक है, सफिशेंटली बिग, तो ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है, कितनी एक्सपेंसिव, प्रेटी एक्सपेंसिव, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ही इज इल, दो सेंटेंस को एक तरह से ज्वाइन करने की बात करें, कंजुगेटिव एडवर्ब है। इल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को कितना इल, सीरियसली इल, डिग्री बढ़ा रहा है एडजेक्टिव की, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्वांटिटी कहते हैं जिसे। तो आप ऐसे इन सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। एक और लिख दिया मैंने, ही कम्स हेयर डेली, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ आते हैं डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, जो बताया था ना एल ओ डब्ल्यू, क्या कहते हैं, हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है ये, हाउ ओफन का, हाउ ओफन का रिप्लाई है ये, इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी बीच में लिखी जाती है, डेफिनेट मेन वर्ब के बाद में। इस तरह आप बता भी सकते हो कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब है ये, जो जो मैंने तरीके सिखाए हैं आपको, ठीक है। चलिए बच्चों, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन चल रहा है, मेरे को एक बात बताना, अगर वर्ब के बाद एडवर्ब आ जाता है तो भी प्रेपोजिशन लगती है क्या, नहीं लगती। अगर वर्ब के बाद एडवर्ब आना हो बट नाउन लिख दें, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको हाउ व्हेन वेयर की साउंड चाहिए और लिख दें नाउन, तो प्रेपोजिशन लगती है एडवर्ब बनाने के लिए। अगर पहले से एडवर्ब हो तो क्यों लगेगी, मैंने लिखा आई विल कम ऑन हेयर, ये सही है, अरे पहले से एडवर्ब है तो ऑन क्यों लिख रहे हो। पर मैंने अगर लिख दिया मंडे, ये नाउन है, अब लगेगी, क्योंकि ये काफ़ी नहीं है साउंड के लिए। ही जम्प्ड रिवर, नहीं लिख सकते, रिवर नाउन है, इनटू लगा के एडवर्ब बनाना पड़ेगा। पर ही जम्प्ड हेयर पहले से ही एडवर्ब है तो क्यों लगाओगे प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन नाउन से पहले लगती है एडवर्ब बनाने के लिए। अगर पहले खुद का खुद एडवर्ब दे दें तो क्यों लगेगी, अब कहोगे याद करना पड़ेगा, खुद का खुद नहीं, साउंड निकालनी पड़ेगी। ही जम्प्ड वेयर हेयर, काफी है ना, कहां कूदा, यहां पर मैंने बोला कहां कूदा, नदी, ये काफी नहीं है, इनटू लगा के बनाया, नदी में, वेयर की साउंड पूरी आए। अब लिख फर्स्ट सेंटेंस पे आओ, आई विल कम व्हेन, मैं कब आऊंगा, कल, तो ये अपने आप में काफी है ना, तो ये खुद एडवर्ब है। कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है हैवीली, तो ये अपने आप में एडवर्ब है, हाउ, तो ये प्रेपोजिशन क्यों लगा रखी है, नाउन होता। ही फोट विद टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है ब्रेवली, अरे अपने आप में एडवर्ब है। विद बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है परमानेंटली, तो ये पहले से एडवर्ब हुआ। ही सेंड मैसेंजर वेयर एवरीवेयर, ये पहले से एडवर्ब हुआ। हर्टली, हर्ट एंड साउल का मतलब ही होता है हर्टली, पहले से एडवर्ब हुआ। ये क्वेश्चन अच्छा है, वी शैल गो टू फॉरन, ये फॉरन ना एडवर्ब है ना नाउन है, ये एडजेक्टिव है, फॉरन वीजा, इसे या तो नाउन लिख दो, प्रेपोजिशन है नाउन लिख दो, फॉरन कंट्री बन गया नाउन, आ गया नाउन, ठीक है, ये पूरा एडवर्ब बन गया। पर अगर तुम इन सबसे छुटकारा चाहते हो प्रेपोजिशन प्लस नाउन से, ये तो फ्री में चिपका हुआ एडजेक्टिव है, तो आप इस पूरे को काट के एडवर्ब लिख दो एब्रोड। नेक्स्ट सेंटेंस, होम के बारे में बता दूं मैं तुम्हें, होम नाउन भी होता है एडवर्ब भी होता है। अब कहोगे पता कैसे लगेगा, एडवर्ब होता है तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, नाउन है तो लगेगी, पता कैसे लगेगा, नाउन तब होगा जब इसके आगे पोजेसिव वर्ड लगा होगा, हिज होम, माई होम, पोजेसिव एडजेक्टिव, तब इसे नाउन कहेंगे। नहीं लगा हुआ ना हिज होम, तो ये समझो एडवर्ब है, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ अगर हिज होम लिख दूँ तो ये नाउन है, अब एडजेक्टिव है, नाउन है, सॉरी नाउन है, तो क्या बनाना पड़ेगा, इसे एडवर्ब बनाना है, तो क्या लगेगी, टू हिज होम। बट सिर्फ होम लिखा है तो सीधा लिख दो ही वेंट होम, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन, अगर जो वर्ड पहले से एडवर्ब हो तो क्यों लगा रहे हो प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बैग एंड बैगेज विद वगैरह हटाना होता है इसमें से, ठीक है। तो चलो एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बोथ ईच और ऑल क्या करते हैं सेंटेंस में, क्या क्या हो सकते हैं, ये प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकते हैं। यहां पर क्या है,
आर अगर वर्ब है तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट बॉयज को मानना पड़ेगा, इस बार नाउन से पहले लगे हैं तो एडजेक्टिव है। अब एक और यूज सीखते हैं, कई बार यू नहीं बोलते, जैसे मैंने कहा हम सच जानते हैं तो आपको क्या बोलना पड़ता है, मैंने कहा तुम भी जानते हो सच, क्या बोलोगे, हाँ सर हम सब जानते हैं, एक एक बच्चा सच जान, मैंने कहा सबको इनाम मिलेगा, किसी ने कहा सर मुझे भी मिलेगा क्या, मैं क्या कहूँगा, हाँ भाई एक एक को मिलेगा, तुझे भी मिलेगा। तो ये स्ट्रेस डालने के लिए यूज होते हैं, तब इन वर्ड को एडवर्ब किया जाता है और ये इनकी पोजीशन वही होती है जो इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी की होती है, मेन वर्ब से पहले, अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब बनकर बैठी है उसके बाद, ऑलवेज सेल्डम वाले, ठीक है। अब चेक करो यहाँ पे ये बोथ क्या है, ना एडजेक्टिव है ना प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन तो ये है, एडजेक्टिव हो नहीं सकता, वो तो नाउन से पहले लगते हैं। ये यहाँ पर ये कहने के काम है, हम दोनों खेलते हैं, सही है इसकी पोजीशन मेन वर्ब से पहले, वी आर बोथ हैप्पी, हम दोनों खुश हैं बी की फॉर्म के बाद। यहाँ ये कोई नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे ये एडवर्ब है, स्ट्रेस डालने के लिए आया है। दे विल गेट अ प्राइज, सबको प्राइज मिलेगा। अब पता नहीं लग रहा एक ही प्राइज सबको मिलेगा या सबको अलग अलग मिलेगा, मान लो मुझे बताना है सबको अलग अलग मिलेगा तो बीच में ईच लगा दो, कहाँ लगता है, वही इनडेफिनेट फ्रिक्वेंसी। वी नो द ट्रूथ, हम जानते हैं, वो कहेगा क्या, मैं भी जानता हूँ, हाँ सर हम एक एक बच्चा सच जानता है, तो मतलब ईच लगा के बताना है, क्या लगेगा, मेन वर्ब से पहले, इसे कहते हैं स्ट्रेस डालने के लिए, बांटने के लिए। दे हैव सम मनी, उन सबके पास पैसा है, एक एक के पास, तो ये इसलिए लगा है ईच, पोजिशन गलत है, बट मेन वर्ब से पहले, बी की फॉर्म थोड़ा है जो उसके बाद, इधर दे ईच आर रेडी, वो सब रेडी हैं, एक एक बच्चा रेडी है, बी की फॉर्म मेन वर्ब है, इसके बाद और कोई मेन वर्ब होती तो उससे पहले, हम सब खुश हैं तुमसे, बी की फॉर्म है मेन वर्ब, इसके बाद वी आर ऑल हैप्पी। तो इनका काम एक बार ऐसे करके, सभी, हम दोनों, एक एक बच्चा खुश है, ये बात करने के भी काम आता है, ठीक है। जैसे एक तो मैं कहूँ ऑल आर हैप्पी, पर यूं कहना हो कि हम सब एक एक करके, या हम दोनों, जो भी है, कह के कहने के काम आए, जैसे मैंने कहा वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, मैंने कहा तू भी खुश है, वो कहेगा हाँ सर हम दोनों खुश हैं, वी आर बोथ हैप्पी। स्ट्रेस्ड है, पोजीशन वही है जो इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी की है। तो एक काम हमने ये सीख लिया इन वर्ड्स के बारे में, ठीक है। हम्म।